हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपना और अपने पढ़ाई का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन जो है वो एक अधिसूचना के ऊपर है जो जारी किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। इसमें क्या है कि अब जो है सहायक आचार्य नियुक्ति में जो पारा शिक्षक हैं उनको अब 50% जो है वो आरक्षण मिलेगा, और साथ ही साथ नियमावली जो बदली गई है राज्य में क्या है कि अब प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अब स्टेट मेरिट लिस्ट पर ही ये नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, स्टेट मेरिट लिस्ट पर अब इसकी नियुक्ति होगी। तो झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रावधान में बदलाव किया है। इस संबंध में मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया। नियमावली में किए गए बदलाव में कहा गया है कि पूर्व में नियमावली के खंडिका 3 में कहा गया था कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षा प्राप्त पात्रत उत्तीर्ण होंगे उसी विषय या विषय समूह में सहायक आचार्य की नियुक्ति के पात्र होंगे। जिले के लिए अधिसूचना जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिला विशेष के लिए नियुक्ति के योग्य होंगे। अब प्रावधान में कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षा पात्रता उत्तीर्ण होंगे उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा मिलेगा आरक्षण। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 50% आरक्षित सीट के आरक्षण में भी बदलाव किया गया है। पूर्व में नियमावली के प्रावधान के अनुरूप सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% पद केंद्र या राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविधान कर्मी के लिए आरक्षित किया गया था। इसमें अब बदलाव किया गया है। बदलाव के अनुरूप अब यह आरक्षण केवल सहायक अध्यापक पारा शिक्षक को मिलेगा। वैसे शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन जारी करने की तिथि तक लगातार 2 वर्ष की हो जाएगी वे आवेदन जमा कर सकेंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि पहले जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी नियुक्ति। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में संविदा कर्मी नहीं केवल पारा शिक्षकों को ही आरक्षण होगा। नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। ठीक है, कक्षा 1 से 5 में अब 400 अंक की परीक्षा होगी। शिक्षक नियुक्ति के पूर्व निर्धारित परीक्षा के अंक में भी बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए पूर्व में 250 अंक की परीक्षा के बढ़कर 300 कर दिया गया है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा 350 की जगह अब 400 अंकों की हो गई। इसके अलावा विषयवार पास करने के प्रावधान में भी आंशिक बदलाव किया गया है। ठीक है, 58 वर्ष के उम्र तक बन सकेंगे शिक्षक। नियमावली ने किए गए बदलाव में कहा गया कि झारखंड शिक्षा परियोजना अंतर्गत सहायक अध्यापक जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन के तिथि की को न्यूनतम व लगातार 2 वर्ष की हो गई प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ जितने वर्ष उनकी सेवा होगी उम्र में उतने वर्ष की छूट मिलेगी, पर उम्र सीमा को अधिकतम छूट 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, इस वर्ष तय भाषा के अनुरूप होगी नियुक्ति। कक्षा 6 से 8 में भाषा शिक्षकों की नियुक्ति इस वर्ष मार्च में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भाषा के अनुरूप होगी। अंग्रेजी व हिंदी के अलावा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भाषा में से किसी भी भाषा में स्नातक प्रतिष्ठा के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, 26,000 शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना अगले सप्ताह होगी। ठीक है,
राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना अगले सप्ताह तक भेज दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कैबिनेट के निर्णय के बाद विभाग द्वारा मंत्रालय को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण रोस्टर विलय कर लिया गया है। जिला स्तर से विभाग को अधियाचना भी भेज दी गई है। अब शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक को अधियाचना भेजी जाएगी। 50,000 शिक्षकों की होनी है नियुक्ति। राज्य में कुल 50,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। दूसरे चरण में 24,000 नियुक्ति होगी। इससे पहले झारखंड शिक्षा प्रपत्र परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। राज्य में स्नातक स्तर के 2025 विभिन्न पदों पर होगी नियुक्ति। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत बैकलॉग व नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य में स्नातक स्तर के 2025 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। 20 जून से लेकर 19 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान 21 जुलाई की मध्य रात्रि होगी। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का समर्पित आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए 23 जुलाई की मध्य रात्रि तक की लिंक उपलब्ध रहेगा। इन पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रशाखा पदाधिकारी के 863 कनीय, सचिवालय सहायक के 343, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 182, प्लानिंग असिस्टेंट के 5, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 195, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 252 व अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के 185 सहित कुल 2025 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। डिप्लोमा स्तर के 1556 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से, ठीक है। डिप्लोमा स्तर के 1556 पदों पर बैकलॉग व नियमित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें बैकलॉग के तहत 11 व नियमित नियुक्ति के तहत 1545 पद शामिल हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI के 44 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में JSSC की ओर से झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों से 7 जून से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी 6 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। 8 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा के शुल्क का भुगतान हो सकेगा। सिपाहियों के 5,013 पद खाली बहाली को लेकर बनेगी नियमावली। राज्य के जिलों में तैनात किए जाने वाले सिपाहियों जिला बल के आरक्षी के कुल 5,013 पद रिक्त हैं। इस खाली पद पर सिपाहियों की बहाली को लेकर पुलिस मुख्यालय नियमावली बनाकर गृह विभाग को भेजेगी। मंगलवार को गृह विभाग की प्रधान सचिव वदना दाडेल की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। इस बैठक में DGP अजय कुमार सिंह, IG प्रोविजन प्रभात कुमार, DIG बजट संभ तबरेज सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। तो झारखंड के अंदर में अभी नियुक्तियों का जो है वो सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है। अभी शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की नियुक्तियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला और उसके साथ साथ और भी कई सारी नियुक्तियां होने वाली है। जैसे राज्य में स्नातक स्तर के 2025 पद, डिप्लोमा स्तर के 1556 व सिपाहियों के 5, मतलब कई सारे पोस्ट आप देखने को मिलेंगे आने वाले समय में आवेदन के तहत। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी बात है झारखंड के लिए कि इतनी नियुक्तियाँ हो रही है, इस सरकार में हो पा रही है। तो आप जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हो वो इसको फॉर्म को भरे और इस नियुक्ति में अपना नाम शामिल कर लें, ठीक है। आई होप आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। इस वीडियो में सभी जानकारियाँ क्लियर कट हो गई होंगी। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसमें जवाब दे दूँगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।